बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है राई में और यमुना नदी में छोड़ा गया पानी सोनीपत पहुंच सकता है। आपको बता दें यमुना से लगते बाढ़ संभावित गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना नदी पर चेतावनी के बोर्ड लगा दिए गए हैं। गांव वालों का कहना है 14 गांव के लोग जो है खतरे में हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है, ये गांव वालों का कहना है। अधिकारियों की तरफ से दावा किया जाता है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। तो यमुना के साथ लगते जो गांव हैं, जो संभावित क्षेत्र हैं बाढ़ के, जहां पर बाढ़ आने का खतरा रहता है, वहां पर चेतावनी जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है उन्हीं गांव में। यमुना नदी पर चेतावनी के बोर्ड लगा लिए गए हैं। जी हां, चेतावनी लोगों को दे दी गई है, नदी के पास ना जाएं, कभी भी जलस्तर बढ़ सकता है। सरकार की ओर से आई अलर्ट जारी है। हमारी प्रशासन की पूरी टीम, आपदा और प्रबंधन विभाग जो राजस्व के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से विजिलेंट है और पूरे यमुना जो हमारे सोनीपत जिला की सीमा में प्रवेश करती है, वहाँ से लेके आखिर दिल्ली तक हम सारे घूम रहे हैं और पूरी जो है मुनादी और मुस्तरी करवाई गई है हर एक गांव में कि भई आप अपने सामान को और को यमुना एरिए में जो भी है अपना बाहर निकालें और वहाँ से अपना सुरक्षित किसी स्थान पे जाने का वो तैयारी रखें कि हो सकता है किसी टाइम वहाँ से इधर उधर जाना पड़े। तो हम निरंतर प्रयास में हैं कि किसी प्रकार की भी कोई जान माल की कोई क्षति ना हो और अगर पानी बहुत ज़्यादा आता है तो हम तैयार हैं। सरकार की तरफ से जो चेतावनी बोर्ड लगा है इसको हमने पढ़ लिया है और इसकी वजह से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी वो पूरी मदद करे, पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी के रूप में काम करे। अभी तक यहाँ प्रशासन का कोई आदमी मैंने देखा नहीं है और हमारे 10-12 गाँव के किसान यहाँ कुछ लोग बसे हुए हैं, उनकी भी मदद करें और फसल के लिए भी कुछ सोचे। हमारे 12-14 गाँव की फसल भी नष्ट होने का खतरा है और यहाँ के लोगों को परेशानी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ करके खड़ी हो सरकार और मौके का मुआयना करें।